सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। दलित परिवार के घर सीएम योगी ने किया भोजन और सीएम योगी ने दलित महावीर से की बातचीत। शाम 3:15 पर सरयू जी की पूजा भी करेंगे सीएम। लखनऊ में रवि किशन ने सीएम योगी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मिले रवि किशन। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं रवि किशन। और सीएम योगी से मुलाकात के बाद बोले रवि किशन का, सीएम योगी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई और इस बार बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। लखनऊ में तीन तलाक पीड़िता ने सीएम योगी से की मुलाकात। तीन तलाक पीड़िता नाजिया से मिले सीएम योगी। मुख्यमंत्री आवास पर नाजिया से मिले सीएम योगी। तीन तलाक पीड़िता से सीएम योगी को अपना दर्द बताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कानपुर दौरा। शाम 4 बजे कानपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव मौर्य और बीजेपी प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी के समर्थन में जनसभा करेंगे। ग्वालटोली में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। मेनका गांधी 18 अप्रैल को नामांकन करेंगी। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल करेंगी मेनका। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं मेनका गांधी। आचार्य प्रमोद कृष्णन 18 अप्रैल को नामांकन करेंगे। लखनऊ लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल करेंगे प्रमोद कृष्णम और कांग्रेस ने लखनऊ से आचार्य प्रमोद को टिकट दिया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं प्रमोद कृष्णम। लोकसभा के दूसरे चरण का चुनाव कल। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक होगा। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। आगरा मथुरा नगीना अमरोहा अलीगढ़ हाथरस और फतेहपुर सीकरी राजबब्बर और हेमा मालिनी जैसे दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। और यूपी में मतदान के लिए 16,162 मतदान स्थल बनाए गए हैं। लखनऊ में नशे में धुत कार चालक ने मारी दूसरी कार में टक्कर। हजरतगंज चौराहे पर नशेड़ी कार चालक ने कार को मारी टक्कर। सूचना पर पहुंची पुलिस से दोनों कार सवारों को लिया हिरासत में। लखनऊ में गोमती नदी में युवक ने छलांग लगाई। समता मूल करके आपको बता दें कि रिवर फ्रंट के पास गोमती नदी में कूदा युवक और राहगीरों की सूचना के बाद गोमती नगर पुलिस मौके पर पहुंची। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।